गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 11, एरिया एंड पेरीमीटर। तो प्रीवियस पीरियड में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के सम सॉल्व किए थे। तो ये सम हम देखते हैं। यहाँ पर हमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ है और ये जो डॉटेड लाइन होती है, कट लाइन होती है, उसको हम हाइट कहते हैं और वो जिसके साथ रिलेटेड है उसको उसका बेस कहते हैं। जैसे बी एम हाइट है तो उसका बेस है ए डी, फिर डी एल हाइट है तो उसका बेस है ए बी। हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1470। तो हमें यहाँ पर ये हाइट फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया कि जैसे हमको डी एल फाइंड करना है तो उसके साथ कौन सी बेस है ए बी। तो फॉर्मूला लिखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी इंटू डी एल। फिर एरिया और जो हमें ए बी की मेजरमेंट दिया है वो रखा और इस तरह से हमने हाइट फाइंड की। अभी हम नेक्स्ट सम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7। ये सब हमारा ऑलरेडी प्रीवियस पीरियड में पूरा कम्प्लीटली मैंने 2 times एक्सप्लेन कर दिया था। थोड़ा हार्ड था इसलिए दूसरी बार भी एक्सप्लेन कर दिया। नाउ नंबर 7। अब हमें यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी है उसको यूज करके हम फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमें ये क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करके नहीं दी गई है, ओके। तो पहले हम क्वेश्चन पूरा समझ लेंगे। ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स विद ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन समझते जाएंगे। यहाँ हमें जो ट्राइंगल दिया है वो आइसोसेल ट्राइंगल है। आइसोस्केल मीन्स ऐसा ट्राइंगल कि जिसकी दो साइड का मेजरमेंट सेम दिया हो। तो तीसरी साइड का तो उसके लिए आगे दिया है एंड बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ तक हमने पढ़ा, अब हम इतनी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ करेंगे थोड़ी ज़्यादा क्लियर होगा। ए बी सी, ओके। ए बी सी ट्राइंगल, ए बी और ए सी, ये ए बी और ए सी दोनों साइड का मेजरमेंट सेम है। कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। ओके, ए बी और ए सी बोथ साइड्स मेजरमेंट इज सेम।
बिकॉज द ट्राइंगल इज आइसोस्केल ट्राइंगल। अब तीसरी साइड का मेजरमेंट, तो बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, तीनों तीन साइड का मेजरमेंट हो गया। अब द हाइट ए डी ऐसे कट मार्क करना है हाइट के लिए, ए डी फ्रॉम ए टू बी सी इज 6 सेंटीमीटर। ये हाइट हमको दी है 6 सेंटीमीटर, मतलब हमको ए डी का मेजरमेंट दिया है 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच, पैरेललोग्राम से हाफ, पैरेललोग्राम का बी एच था और ट्राइंगल का 1/2 है। मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था कि एक पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्राइंगल होते हैं, इसीलिए जब दोनों ट्राइंगल सेपरेट हो गए तो उनको हाफ हाफ हो गया उनका बी और एच, मतलब बेस एंड हाइट। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमको फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, बी मतलब बेस, तो बेस वही लेंगे कि जिसकी हाइट होती है। ओके, बेस तो ये ए बी भी बेस है और ए सी को भी हम बेस कह सकते हैं, पर उसके साथ हाइट नहीं दी हुई है हमें, ठीक है। तो ए बी सॉरी कौन सा है, ए डी इंटू बी सी, बेस है बी सी और हाइट है ए डी, वही बेस आप ले सकते हो कि जिसके साथ हाइट दी हुई हो। नाउ अब हम इसमें वैल्यूज रख देंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी बी सी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, ओके, एंड ए डी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अब एरिया के सम में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ओके, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कटिंग करेंगे, 2 3 6, 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, बहुत इजी समय, वैसे डिफिकल्ट लगेगा पर जब समझ लोगे तो बहुत इजी लगेगा। फिर से समझा लो, ट्राइंगल ए बी सी आइसोस्केल्स विद ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 77.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी दो साइड का मेजरमेंट सेम दिया है, कौन सी दो साइड, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी का मेजरमेंट दिया है 7.5 सेंटीमीटर और बी सी का मेजरमेंट दिया है 9 सेंटीमीटर। ओके, तो मतलब तीनों तीन साइड का हमको मेजरमेंट मिल गया। अब हमें हाइट दी हुई है ए डी, बी सी के साथ कनेक्टेड है, तो ए डी का मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बी एच, ये फॉर्मूला सारी खास लग होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अभी यहाँ बेस तो तीन है पर हाइट एक ही दी है, तो हम वही बेस लेंगे कि जिसके साथ उसकी हाइट हो, तो ये बेस के साथ उसकी हाइट दी हुई है। ओके, तो 1/2 बी सी इंटू ए डी। अब हमें वैल्यू दी है, बी सी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर एंड ए डी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अब 2 3 6 कटिंग किया, 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसमें और दूसरी चीज़ भी हमको फाइंड करनी है, वॉट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी सी ई। अब यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया मैंने सी ई, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। ओके, तो ट्राइंगल सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच, एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमने 27 फाइंड किया 1/2। अब हमें यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है सी ई, तो उसका बेस क्या है,
ए बी, तो ए बी इंटू सी ई, ओके ए बी इंटू सी ई। अब वैल्यू रख देंगे जिसकी दी हुई है, ए बी की वैल्यू है 7.5 और सी ई हमको फाइंड करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 27.5/2 इंटू सी ई। अब यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, पूरा स्टेप में साइड चेंज कर देती हूँ, 7.5/2 इंटू सी ई इज इक्वल टू 27। अब सी ई को हमें फाइंड करना है, तो उसके साथ ये जो नंबर है वो सामने जाएगा, तो पूरा कैसा हो जाएगा, वो जिसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में, पता है कि जो डिवीजन में है वो मल्टी में, मतलब कि ये नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा सामने जाएगा। सी ई इज इक्वल टू 27 × 2/75, 10 इसका पॉइंट निकाल दिया, 7.5 का पॉइंट निकाल दिया, तो 10 आएगा जो जिसके डिनोमिनेटर नहीं है, तो अब वो ऊपर चला जाएगा। अब हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे, 2 और 2 से तो कुछ होगा नहीं, अब ये 5 से 2 होगा, 5 2 जा 15 5 जा। अब 3 से होगा ये दोनों, 3 5 जा 3 9 जा। अब कुछ कठिन नहीं होगी, 9 2 जा 18 18 2 जा 36/5, तो इसको हमें अभी पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो डिवाइड करके हम इसको अरेंज कर देंगे, 5 7 जा 35 1 0 लिखा यहाँ पर, पॉइंट पूछा मतलब 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर हाइट आई, 7.2 सेंटीमीटर, ओके। ट्राइंगल का एरिया हमको उसकी फॉर्मूला खास याद होनी चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 BH। अब हमको वही बेस लेना है जिसकी हमें हाइट दी हुई हो, ओके। तो पहले हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया, दूसरी बार में हमको हाइट फाइंड करनी थी, तो उसके साथ बेस हमने लिया ए बी, ए बी इंटू सी ई, ओके। ट्राइंगल हमने पहले ए वाले में फाइंड कर लिया था, इसी सब में फिर वैल्यूज रख दी, तो हमको सी ई की वैल्यू मिली 7.2 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हमारे यहाँ पैरेललोग्राम का टॉपिक क्लियर हुआ, अब हम सर्कल का टॉपिक करेंगे। सर्कल, ओके। तो सर्कल के लिए फॉर्मूला है सर्क्यूमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल, दैट मीन्स वन टाइप ऑफ पेरीमीटर। तो हमने जो अभी सभी साइड्स के पेरीमीटर फाइंड किए, ओके, तो उसमें क्या था, साइड दी हुई थी, पर सर्कल के लिए हमें पता है कि सर्कल में क्या होता है, नो साइड्स नो कॉर्नर्स ओनली वन कर्व्ड लाइन। सर्कल किससे बनता है, ओनली वन कर्व्ड लाइन, तो सर्कल का पेरीमीटर नहीं बोलते, पेरीमीटर के बदले हम उसका सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, जिसमें पाई की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है 22/7 या 3.14, ओके। तो अभी हम उसके सम्स करेंगे, वैल्यूज में रख के करवा दी जाऊंगी, फॉर्मूलाज भी साथ में करवा दी जाऊंगी। अब हमारा एक्सरसाइज 11.3, उसकी एक्सरसाइज 1, जैसे फॉर्मूलाज आती जाएगी हम सॉल्व करते जाएंगे। Thank you.
Find the circumference of the circle with radius. With the following radius, where पाई हमको पाई की वैल्यू सब में हमको लेनी है 22/7. तो हमें सब में क्या फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. तो एक बार उसकी फॉर्मूला हम लिख देते हैं. पाई की वैल्यू दी है तो हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना है. तो अब हम इसमें वैल्यूज रखते हैं. पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7. आर कितना है, आर रेडियस 14. अब हम कटिंग करेंगे, 7 2 14, 2 2 4 और 22 4 88 सेंटीमीटर. वन टाइप ऑफ पेरीमीटर, पूरा उसका आउटर साइड का मेजरमेंट हमको कहा है. पर सर्कल में साइड नहीं होती है, वो ओनली वन बिग कर्व लाइन होती है, इसलिए उसकी फॉर्मूला अलग है. इसलिए पेरीमीटर के बदले यहाँ पर सर्कमफेरेंस वर्ड यूज किया गया है. ओके, तो नंबर वन है जहाँ रेडियस हमको दी है 14 सेंटीमीटर, तो उसका सर्कमफेरेंस हुआ 88 सेंटीमीटर. नया है तो मैं फिर से समझा दूँ. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू 2 × 22/7 × 14, जहाँ पाई की वैल्यू हर बार हमको 22/7 लिखनी है. r मीन्स रेडियस, जो हमें क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज दी होगी वो लिखेंगे. ओके, फिर इसको सिंप्लीफाई कटिंग करके जो आंसर आया वो हुआ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. ओके, अब नंबर टू, 28 mm. ओके, सॉरी 28. देखो आपको रेडियस ऐसी ही दी जाएगी जो 7 से डिविजिबल हो. ओके, तो ही कटिंग फटाफट होगा. अगर कुछ ऐसी होगी अलग तो फिर आपका आंसर पॉइंट पे आएगा. बाकी ऑलमोस्ट आपको रेडियस 7 का मल्टीपल ही दी जाएगी. टू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 28. ओके, देखो 7 से 28 कट हो जाता है. ऑलमोस्ट 99% आपको रेडियस की वैल्यू 7 से डिविजिबल हो वैसा ही नंबर दिया जाएगा. ओके, 7 4 28. अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करें, 2 4 8, 22 8 जा करना पड़ेगा. जब हमको एरिया फाइंड करना हो तो रेडियस है 28 मिलीमीटर में, हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, 2 × π की वैल्यू हर बार हर सम में 22/7 ही लेने की, दैट इज फिक्स. एंड r मतलब रेडियस जो हमें क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 28. अब 7 4 28, ये सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 176 मिलीमीटर. ओके, नाउ नंबर सी. मैं आपको वर्कशीट में बहुत सारे सम्स इस तरह के दूंगी, ज़्यादा प्रैक्टिस हो आपको. अब आपको दिया है 21 सेंटीमीटर. देखो ये भी 7 से डिविजिबल है. जब भी ऑलमोस्ट आपको रेडियस हो जाएगी वो 7 के टेबल में आती ही होगी, तभी कटिंग पॉसिबल होगी. ओके, अब 21 क्या दिया है हमको, रेडियस r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. ओके,
अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, अब हम वैल्यू लिखेंगे 2 × π की वैल्यू है 22/7 और रेडियस दी है 21, 7 × 3 = 21, ओके कटिंग तो आनी ही चाहिए अभी, 2 × 3 = 6, तो 22 × 6 करते हैं अब हम, 132 cm, ओके तो रेडियस है 21 cm, उसका सर्कमफेरेंस है 132 cm, ओके तो अभी ये एक्सरसाइज में हमने न्यू फॉर्मूला सीखी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, ओके जिसमें पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7। अब हम एरिया के सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2, ये चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको लर्न करनी है एकदम। Find the area of the following circles given that take pi is equal to 22/7. अब यहाँ पर न्यू फॉर्मूला आ गई, कौन सी फॉर्मूला आई, एरिया ऑफ सर्कल, तो पहले मैं वो फॉर्मूला लिख दूंगी, pi r square, ओके एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसके पहले कौन सी फॉर्मूला की थी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो उसकी क्या थी 2πr, ये फॉर्मूला मिक्स ना हो जाए, ठीक है एकदम अलग अलग एक पेज में सारी फॉर्मूला अच्छे से लिख देने की। ये चैप्टर में कितने सारे नए नए नाम आए, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, सर्कल, सबका एरिया, सर्कमफेरेंस, ओके तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अभी हमें यहाँ पर ये आर मतलब रेडियस दिया हुआ है 14 mm, तो हम इसमें वैल्यूज रख देंगे, पाई की वैल्यू पता है हमको 22/7, आर स्क्वायर उसका मतलब क्या है कि ये जो रेडियस है उसको हमें 2 times लिखना है, एकदम याद रखो 14 × 14 और mm स्क्वायर, एरिया के सब में जो भी यूनिट हो उसका स्क्वायर लग जाता है, ओके देखो ये मैंने 2 times क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब सेम नंबर 2 times मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू सभी बार हमको दी गई होगी, अगर 22/7 या 3.14 दोनों में से एक लेनी हो, अगर कुछ भी ना दिया हो तो आपको 22/7 ले लेनी होती है, ओके अब हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे, 7 × 2 = 14, ओके 22 × 2 = 44 × 14 करना पड़ेगा तो हमको एरिया मिलेगा, ओके
देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल विद गिवन दैट पाई इज इक्वल टू 22/7 और रेडियस हमको दी है 14 मिलीमीटर। तो हमने पहले इसकी फॉर्मूला लिखी, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर मतलब रेडियस, तो रेडियस हमको दिया है 14। तो 14 × 14 सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आया 616 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी मेथड के सम्स आगे बढ़ेंगे।